आओ पधारो हमारे चैनल। अभी क्या इंग्लिश का कीड़ा कुछ ज्यादा ही फैल रहा है सब में। हिंदी का किधर नामो निशानी नहीं दिख रहा है, सब इंग्लिश ही फाड़ रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ सब इंग्लिश ही चल रही है। What happened to the medicine? You see, you need ninna you fever ya. I you see you nadchi padpoying ya. I think burra tiring ya. जिसको नहीं आती तभी भी इंग्लिश ठोक रहे हैं। इंडिया हो के किधर भी अभी हिंदी सुनाई नहीं देती है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के किनारे से दूर खड़े रहेंगे, एक चलत गाड़ी जाने वाली है। जिसको नहीं भी आती वो सर इलाके यस नो तो कर ही लेता है। इंग्लिश सीखने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं भाई। और कोई कितना भी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, माँ के पेट से एक वर्ड तो जरूर सीख के आता है, सॉरी। मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मामा, मेरे को किडनी को नहीं करना है। I'm sorry. 1, 2, 3. Sorry, sorry, sorry. वो हर जगह यूज करता है ये वर्ड को जिंदगी में। मतलब जितनी सांसें नहीं होती ना उतना सॉरी होता है। और ये सॉरी वर्ड हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है। कोई कितना भी टैलेंटेड हो, हर बात में आगे हो, लेकिन अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो दुनिया उसको कुछ ऐसी नजर से देखती है। चंदी वस्ती खादू नथी, चाटी वस्ती पिक्चर भी नथी जोयू। और कोई ढप्पू हो, आता जाता कुछ नहीं हो उसको, अगर दो वर्ड इंग्लिश के फाड़ दिया उसने तो सब दुनिया उसको ऐसे देखेगी। मिस्टर जय, वेलकम। ऐसी इंग्लिश पे तो थू, मैं तो बोलता हूँ डबल वार थू ऐसी इंग्लिश पे। ये सब देश में अपनी अपनी भाषा चलती है, किधर जैपनीज चलती है, किधर फ्रेंच चलती है, स्पेन में स्पेन की भाषा चलती है, सब अलग अलग देश में सब अपनी अपनी भाषा चलाते हैं, लेकिन अपने देश में इंग्लिश सबसे ऊपर, सबसे आगे टॉप क्लास में इंग्लिश चल रही है। हिंदी का नामो निशानी नहीं, हिंदी के लिए बस यही गाना सूट होएगा फिर एक दिन। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम। अभी हिंदी नाम की है, काम की नहीं, क्योंकि काम की तो इंग्लिश है। मूवीज़ बनाते हैं हिंदी में, गाने बनाते हैं, और बाहर की हीरोइन आती है बॉलीवुड में, मूवीज़ का नाम किस में देता है, इंग्लिश में। बस उधर भी इंग्लिश एक कदम आ गई है, खाली हिंदी को यूज़ किया है बस। 10% लड़कियाँ बात होती है जो इंग्लिश ही फेंकती है, पता है इंग्लिश आती है, लेकिन हर जगह इंग्लिश यूज़ करना अच्छी बात थोड़ी है भाई। ले देखो तो किसको आती है किसको नहीं आती, तो उसके सामने बोलो ना इंग्लिश। ऐसी लड़कियाँ कॉलेज क्लास जॉब से ज़्यादा इंग्लिश किसके सामने बोलती है, पानीपुरी वाला, रिक्शे वाला, वड़ा पाव वाला, या राह में कोई चलते रहेगा ना, किसी से एड्रेस भी पूछना रहेगा तो इंग्लिश में पूछेगी। फिर वो लोग वो लड़की के बारे में मन में सोचते हैं, हेलो हेलो Listen, Mr. Vasuli, they actually tried really very hard. But you know, because of some circumstances, they couldn't really arrange your cash. I hope you... समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अभी रिक्शे वाले को भी रास्ता बताएंगे तो कैसे बताएंगे? Go straight, take a right turn, and then U turn, then left turn, and then right turn. वो रिक्शा वाला भी बोलता है, अरे मैडम, इतना इंग्लिश आता रहता तो आपको थोड़ी पीछे बैठा था, पीएम को लेके जाता पीछे बैठा के। किसी से एड्रेस भी पूछना हो तो हिंदी में पूछ सकती है, लेकिन क्या इंग्लिश की माननी जरूरी है? आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ जैसे अभी सब लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हर देश में इंग्लिश चलती है, वैसे एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हर देश में हिंदी चलनी चाहिए। नमस्ते, आई वुड आस्क यू नाउ, आप कैसी हैं? एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वुड से थैंक यू, गुड, आई एम फाइन, एंड हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद, और आप? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद, और आप? गणपति बाप्पा मोरिया। तो मजा आएगा। अगर आप लोग एग्री है ना मेरी बात पे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जरूर करना। वो लाल वाला बटन है ना उस पर क्लिक कर देना, तो वीडियो दिखते रहेंगे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूँगा।